आपका माइक कनेक्ट नहीं है। चलिए लाइव तीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से स्पोर्ट्स बुक में, और आज एक और विन। जी हाँ, हमने पहले इनिंग के बाद हम वापस आए थे और हम बात कर रहे थे, हमने बताया था कि क्या क्या चांसेस हैं जहां से इंडिया जीत सकता है, और जैसा हम बात कर रहे थे कि इंडिया का स्पिनर्स जो है, स्पिन अटैक जो है, अगर वह चल जाता है, कुलदीप यादव चल जाते हैं, अगर रविंद्र जडेजा चल जाते हैं, तो ये स्कोर भी बहुत ज्यादा होगा। मेरे साथ हैं असद, मैं हूं फारूक। आइए डिस्कस करते हैं थोड़ी सी पहली इनिंग और बहुत सारी सेकंड इनिंग की बातें। फारूक, मैंने देखो भाई, तमाम यूजर्स का स्वागत है क्रिकेट बुक पे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि भैया मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है, और श्रीलंका से एक 20 साल के लड़के ने पूरे मैच को क्या गजब बनाया यार। पहले तो फारूक गेंदबाजी की पंजा झटका, और उस पंजे में कौन कौन शामिल है? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। उसके बाद बल्ले से कमाल दिखाया यार, गजब का कमाल। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब टेम्परामेंट आपको जो चाहिए खिलाड़ी से, एक युवा से आप चाहते हो, उसमें एग्रेशन है, उस जरूरत पड़ने पर उसने बड़े शॉट भी खेले, उसने पारी को संभाला भी, मतलब कुल मिला के वो सारा काम जो आपको एक प्रॉपर बैट्समैन से चाहिए उसने एज अ बैट्समैन किया, वो सारा काम जो आपको एक अपने स्पिन बॉलर से चाहिए वो सारा काम उसने एज अ स्पिन बॉलर भी करके दिया। एक कंप्लीट परफॉर्मेंस, हालांकि वो लूजिंग साइड रहा और वो बंदा नॉट आउट रहा मतलब हर तरह से आज के मैच में वल्लभलागे ने डोमिनेट किया है। बिल्कुल, पहली बॉल जो उसने फेंकी वहां उसने विकेट ली, आखिरी बॉल जो उसने फेंकी वहां उसने विकेट ली, और बैटिंग करने जब आया तो हर तरह से खेला, डिफेंसिव भी खेला, अग्रेसिव भी खेला, अटैक भी, बुमराह को भी खेला उसने, हार्दिक पांड्या को, मतलब सबको खेला, सबको अटैक किया, जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा किया, और आउट भी नहीं हुआ। तो वो बंदा नॉट आउट भी रहा, 42 रन भी कर दिए, और इधर आपको 5 विकेट भी लेकर दे दिए, मतलब और क्या कर सकता है एक बंदा। देखो इंडिया 41 रन है कि 41 रन से जीत गया, तो अगर उसमें 8 रन और आ जाए तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बस मैं मतलब ही डिजर्व्स 50। बिल्कुल, 50 वो डिजर्व करते थे, अपना 50 हो जाती तो एक क्रिकेट फैन की तरफ से अच्छा लगता, बट फिर हम नहीं चाहते थे कि वो 40 और बन जाते तो दिक्कत हो जाती है। तो वो पर, नहीं, 40 खैर नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते 40 बनते, लेकिन हाँ ये 8 और आ जाते तो अच्छे। सिर्फ मैं नहीं, इंडियन क्रिकेट फैन से ठीक है, पाकिस्तान वाले भी कह रहे होंगे अच्छे नहीं बने 40 लेकिन यार अच्छा, ये रिप्लाई लेकिन उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि इंडिया खास करके इस मैच में आएगा हारने के लिए। बहुत सारे लोग लाइव में मेरे साथ, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इससे पहले, और कह रहे हैं गजब डोमिनेशन, भूख लग रही है और ये तो खाई जा रही है। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रीक जो श्रीलंका की है, वो सेकंड हाईएस्ट स्ट्रीक थी अभी। जी हाँ, पिछले 13 मैच से लगातार श्रीलंका जीतती आ रही थी। श्रीलंका से आगे सिर्फ एक टीम है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की 21 मैच की विनिंग स्ट्रीक है, सेकंड पे श्रीलंका थी 13 मैच जीतने के बाद। आज एक और मैच खेलने आई थी और आज उनकी वो स्ट्रीक जो है वो टूट गई, और मतलब लड़कर टूटी है या कैसे टूटी है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बंदा था जो अकेले लड़ रहा था। आप हारे या जीते, नाम याद रखिएगा, एक खिलाड़ी था जो अंत तक लड़ा था, एक खिलाड़ी था जो अंत तक मैदान में खड़ा था, नाम था दुनित वल्लभलागे। बहुत शानदार खेले यार, मतलब उनके हाथ में बॉल दी गई तब भी, अच्छा बैट दिया गया तब भी, इंडिया की जीत से ज्यादा चर्चा उस एक खिलाड़ी की हार का होगा। तो अब आप समझ जाइएगा कितना शानदार खेले। कई सारे यूजर्स थे, कुछ लोगों के कमेंट्स ना आए थे लेकिन वो चले गए हैं, तो आप प्लीज दोबारा कमेंट कीजिए, मैं देख नहीं पा रहा हूं। अच्छा, आज के मैच में कुछ चीजें आप कमेंट देखिए सर, मैं जरा इनको थोड़े से स्टार्ट बता देता हूं। आज मतलब जैसे जैसे हम मैच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, जो प्लेयर्स हमारे निकल कर, आज कुलदीप यादव ने आज 150 विकेट कंप्लीट करी अपनी, सेकंड फास्टेस्ट बन गए हैं वनडे में वो 150 विकेट कंप्लीट करने वाले। पहले मोहम्मद शमी थे जिन्होंने 80 मैच में करा था, यहाँ पर फिर 88 मैच में उन्होंने कंप्लीट करा। तो आपको जब ऐसे ऐसे स्टैट्स निकल कर आते हैं तो पता चलता है कि यार कि मतलब परफॉर्मेंस जो आ रही है वो किस तरह से प्लेयर को बूस्ट कर रही होगी। 10,000 अब वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं, 10,000 रोहित कंप्लीट करते हैं, लगातार 3 हाफ सेंचुरी रोहित की आती है, नेपाल के अगेंस्ट मारा, फिर आपको यहाँ मारा पाकिस्तान के खिलाफ, फिर आज के मैच में कैप्टन की ये आपको यू वांट दिस यू नो फॉर्म के। अब बस हम एक और चीज चाहते हैं कि ये हाफ सेंचुरी जो है वो सेंचुरी में एक बार कन्वर्ट हो जाए, वो फाइनल में कन्वर्ट हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि इंडिया फाइनल में तो पहुंच चुका है। 30 शतक से थोड़ी आगे बढ़ते हैं, जी हाँ, तो वो थोड़ा सा वो और रह रहा है, वो भी हो जाएगा। बाकी हमने अपने बैटर्स की फॉर्म देख ली है, तो अच्छी बात यह है कि जो कंसर्न थे इस एशिया कप से पहले या फिर पहले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, वो कंसर्न दोबारा से जागे थे।
कहीं ना कहीं वो कंसर्न थोड़ा सा काम डाउन होते हुए दिख रहे हैं। आज फिर ईशान किशन और राहुल ने, हालांकि बॉलिंग पे इसकी अच्छी हेल्प मिल रही थी, बट उन्होंने वो 60-62 रन की जो पार्टनरशिप आई थी उनकी, वो काफी इंटरेस्टिंग थी और उसने कहीं ना कहीं मैच बनाया था। और यहां तक 210-212 जो स्कोर बना उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी। कोहली को क्या हो जाता है, शिवांशु त्रिपाठी, दरअसल कोहली को कुछ नहीं हो जाता यार। एक तो पता, 3 दिन लगातार मैच, आप सोचिए, एक खिलाड़ी एक दिन खेल रहा है फिर अगले दिन खेल रहा है सेंचुरी। कल वो जब इंटरव्यू दे रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि इंटरव्यू को थोड़ा शॉर्ट रखें, बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। तो एक वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही थी, काफी अरसे से हो रही है। और कई सारे खिलाड़ी जैसे बेन स्टोक्स ने इस पर बात की थी कि मैं तीनों फॉर्मेट नहीं खेल पाऊंगा, मैं एक फॉर्मेट पे फोकस करना चाहता हूँ, कैप्टन है वो इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट के। तो इस तरह से तमाम तरह की चीज़ें होती हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। जब इंडिया ICC इवेंट्स हारा था तब भी बात हुई थी मैनेजमेंट की तरफ से कि आप IPL लगातार खिलवा रहे हैं, उसके बाद फिर तमाम तरह की WBC में भी यही बात निकली थी, है ना, तमाम तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली पे या किसी भी खिलाड़ी पे उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। एक आदमी को आप खुद सोचिए, आप एक आदमी है, 3 दिन लगातार आप काम करें दिन रात, तो 4th दिन आपको थकान महसूस होगी ही होगी, क्योंकि सिर्फ खेलना नहीं होता, उस खेलने की तैयारी करनी होती है, प्रैक्टिस होती है, फिटनेस होती है। ये एक तरह का वर्कआउट है, और वर्कआउट जैसे आप प्री वर्कआउट कर लेते हो, पोस्ट वर्कआउट लेते हो, तो आप प्री वर्कआउट के लिए स्टार्ट होते हो तो मैच के पहले वो रेडी रहते होंगे कि यार आपको 50 ओवर का मैच खेलना है। फिर उसका सोचिए, अगर आपने 50 ओवर बैटिंग कर ली है तो उसके बाद आपको फिर फील्डिंग भी करनी है। कल के मैच में वो दोनों हुआ है, और उसके बाद आज फिर उन्होंने खेला है, और आज बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। और आज जो वेलेलागे जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, आप विराट पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, या किसी भी बैटर पर आज क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मैंने आपको ये पहली इनिंग में भी कहा था कि आज बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, इस बॉलिंग के सामने आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। हाँ, इस बॉलिंग के सामने जो टिक गया उसकी तारीफ जरूर कर सकते हो, जैसे ईशान किशन और KL राहुल थे, उन्होंने 60-62 रन की पार्टनरशिप करी थी, उनकी आप तारीफ जरूर कर सकते हो कि वह वहां पर खड़े होकर खेले। क्योंकि हमने ये चीज, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब इंडिया के बैटर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो श्रीलंकन बैटर्स भी स्ट्रगल करेंगे, और वो हमने देखा। जडेजा की छोड़िए, पहले मैं आपको बुमराह की बात करता हूँ। शुरू के ओवर से ही बुमराह ने और सिराज ने परेशान करना शुरू कर दिया था, पेसर्स ने ही 2-3 विकेट निकाल ली थी। उसके बाद हम आते हैं स्पिनर्स की तरफ, जडेजा का जो पहला ओवर था वहीं से उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि आज मेरे हाथ में बॉल है, और जो वेलेलागे ने करा वैसे ही कुछ बॉल मिलने वाली है, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी स्पिन मिल रही थी शुरू में। फिर कुलदीप आते हैं और वो पिछले मैच में 5, इस मैच में 4, वो बस मतलब जो श्रीलंकन बॉलर्स ने करा वैसा ही मोर ऑर लेस हमारे बॉलर्स ने करा। आज हमारे फील्डर्स ने बहुत अच्छा करा, मतलब बहुत अच्छा किया है, कैचेस बहुत अच्छे अच्छे कैचेस हुए हैं। निको चौहान, हेलो निको चौहान, कैसे हो आप? रहमान आजमी हमें हाई बोल रहे हैं, फारूक और राजेश कुमार, यार आपका सवाल मैं थोड़ा ना समझ नहीं पाया हूँ, क्या सूर्य है श्रीलंका को भारत में? तो इसको प्लीज आप ना थोड़े से सही से लिखे ताकि मैं पढ़ पाऊँ और फिर हम बात करेंगे इस पे। श्रीदेवी, सूर्य, सूर्य के लिए बिल्कुल हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से मैच निकल ना जाए। एक 6th विकेट गिरी, फिर 7th गिरी, तो वो जो पॉइंट था ना जहां पर 7वीं और 8वीं विकेट आई, वहां पर वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो काफी अच्छा कैच था, बहुत अच्छा एफर्ट था वो। राजवीर राव हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि अच्छा फारूक ये चीज अच्छी है, राजवीर राव बोल रहे हैं कि श्रीलंका ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी आप जिस बॉलिंग लाइनअप के सामने थे, आपने देखो पहले तो बॉलिंग में कमाल कर दिया, बॉलिंग में तो आपने बहुत 356 रन जो टीम अभी बना के आई थी पिछले ही दिन, उसको आपने इस तरह से जकड़ लिया कि भैया उसी ग्राउंड कुछ समझ नहीं आ रहा था, जगह पर वहीं पर सेम ग्राउंड में, मतलब किसी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था आपकी गेंदबाजी का। आपके स्पिनर्स 10 के 10 विकेट ले जाते हैं, चरिता सलंका 4 लेकर जाते हैं, थिक्षणा 1 लेकर जाते हैं, और वेलेलागे 5 ले जाते हैं। तो इस तरह से एक कमाल था जो श्रीलंका ने पहले गेंद से किया, उसके बाद जब बल्ले का नंबर आया तो शुरू में विकेट जरूर गिरे, लेकिन एक बार जब बीच में पार्टनरशिप आई जिस तरह से वेलेलागे खेले, तो कुल मिलाकर मतलब बहुत शानदार मुझे ऐसा लगा। शायद धनंजय डिसिल्वा दूसरे एंड पर थे, तो इन दोनों ने बहुत बड़ी पार्टनरशिप की, और सबसे बड़ी पार्टनरशिप इन दोनों की थी, और मैच में वाकई में उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छा किया। मेरे कई सारे यूजर्स थे जो तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा खेला श्रीलंका। बिल्कुल श्रीलंका ने जिस तरह से बॉलिंग करी वो तो ऑब्वियसली कमेंडेबल था, लेकिन जब एक पॉइंट था यहाँ पर लग रहा था कि हाँ अब हो गया, मतलब आपकी 4-5 विकेट आ गई हैं, अब ज्यादा लंबा नहीं टिका, लेकिन वहां पर डिसिल्वा और वेलेलागे आते हैं और वो रुक जाते हैं। मतलब वहां पर एक बार फैंस को ही सिर्फ नहीं, मतलब वहां पर एक बार टीम को भी लग रहा होगा, इंडियन टीम को, कि ये विकेट अगर हमने नहीं निकाली तो प्रॉब्लम आ सकती है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये नहीं है,
आप अगर उनको बैटिंग करते हुए देखा होगा अगर आपने, तो आपने ये चीज नोटिस जरूर करी होगी कि बहुत कॉन्फिडेंट थे दोनों। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि आप हारने के डर से हो या फिर आप डिफेंसिव खेलो, नहीं, मौका मिलने पर उन्होंने छक्का भी मारा, मौका मिलने पर उन्होंने चौका भी मारा, मौका मिलने पर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट भी करी और बॉल डॉट भी खेली। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो खेलते गए, बस ये है कि हमारे बॉलर्स जो है उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार अटैक करते रहे और हमें सही टाइम पर विकेट्स मिल गई। कुल मिला के मतलब एक कहानी वली लागे ने लिखी है आज, मतलब प्रॉपर ये क्रिकेटिंग शॉट्स, प्रॉपर बॉलिंग, तो कुल मिलाकर श्रीलंका ने मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा बेहतर किया। हालांकि मैंने जब हम पिछली बार लाइव आए थे मैंने कहा था कि श्रीलंका को आप बिल्कुल हल्के मत लीजिए, हमने जो प्री वीडियो प्री मैच डिस्कशन लाइव से पहले हमने एक वीडियो भी डाला था ना फारूक, उसमें भी हमने यही बात की थी कि भाई श्रीलंका हल्की टीम बिल्कुल नहीं है, उन्होंने बॉलिंग से बांग्लादेश के होश पहले भी उड़ाए थे, तो इस तरह की तमाम चीजें हुई थी और श्रीलंका मेरी उम्मीदों पर तो बिल्कुल खरी उतरी और मुझे एक अच्छा मैच देखने को मिला। सबसे अच्छी चीज यही है। अब एक सबसे अच्छी बात और क्या है इसमें कि अभी हम जब बात कर रहे थे प्री मैच, तो हम उस टाइम थिक्षाना की बात कर रहे थे, पतिराना की बात कर रहे थे कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, इन्होंने ऑपोजिशन को काफी परेशान करा है। लेकिन अब एक नया नाम जो निकल कर आया, हालांकि वलेलागे ने इस पूरे एशिया कप में अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, और जब आप इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन को ऐसे परेशान करके उनको आउट करते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी देखी तारीफ होना और बात होना बनता है, और वही हुआ आज। और श्रीलंका ने जो आज से पहले हम पथिराना की थिक्षाना की बात कर रहे थे, अब शायद पथिराना थिक्षाना की बात कम कर रहे हैं और हम आज बात करेंगे वलेलागे। और आज ने आज से अब एक माइंडसेट हो गया होगा, कोई भी चाहे आप किसी के अगेंस्ट भी श्रीलंका खेल रहा होगा, उनको पता है कि ये जो बंदा है ये बॉल से भी और बैट से भी दोनों से कमाल करता है। बिल्कुल, इस नाम को याद रखा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो होने वाली है, मैं फारूक क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान यार, दिस इज एक चीज खैर बहुत अच्छी है कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है वलेलागे ही बने। देखो उर्वा क्वीन हमारे लूजिंग कॉज में, अच्छा इसलिए फारूक साथ में जोड़ रहा हूँ, उर्वा क्वीन हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं। उर्वा आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये सवाल मेरा नहीं था एक्चुअली, उर्वा का सवाल था इसीलिए मैंने कहा सवाल था। और पहली बार इतिहास में एशिया कप के हिस्ट्री में क्या हम देख सकते हैं फारूक इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल। अब वो हमारा कल तो खैर मैच नहीं है, हमारा जो कल तो आराम दिया गया है लगातार, लेकिन अब जो नेक्स्ट पाकिस्तान का मैच है काफी उस पर नजर बंदी भी होगी। अब श्रीलंका मतलब कैसा, देखिए आखिरी मैच की बात नहीं, बात यह है कि आप और वही कैसे लास्ट चांस है, आप कैसे मैच से निकल कर जा रहे हैं, आपके पास एक लास्ट मौका है। आप एक बार फिर से, मुझे नहीं याद एक टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान तीन बार कब खेला है, एक दो और एक और बार, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत क्रेजी हो जाएगा, तो हम तो बहुत मतलब मैं और हम सभी बहुत एक्साइटेड होंगे देखने के लिए, फाइनल्स देखने के लिए, इंडिया पाकिस्तान का किस तरह से अप्रोच रहती है। बिकॉज इससे पहले जब हमने दो मैच देखे इंडिया पाकिस्तान के और दोनों में हमने डिफरेंट अप्रोच देखी है, पहले में हमने इंडिया की बहुत डिफेंसिव अप्रोच देखी पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट। असल एक बात और ध्यान रखने की है कि पाकिस्तान के दो बॉलर इंजर्ड हो गए हैं, दो प्रीमियम बॉलर इंजर्ड हो गए हैं, पाकिस्तान इसको कैसे रिकवर करेगी इस इतने मेजर सेटबैक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है कि आपके पास हारिस रऊफ हो सकता है कि इस मैच में ही ना खेलें, नसीम शाह हो सकता है नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, हालांकि बात ये आ चुकी है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि वो नहीं खेलेंगे, उनको पूरे एशिया कप से रेस्ट दिया जाएगा। रीजन बीइंग कि आपके पास वर्ल्ड कप आ गया और आप नहीं चाहोगे कि वर्कलोड बढ़ाओ, खास करके उस टाइम पर जब इंजरी कंसर्न्स बढ़ गए, तो अगर ये दो प्लेयर नहीं खेलते हैं देन पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बिकॉज इनके खेलने के वक्त इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर कर दिया था, अगर वो नहीं खेलेंगे कौन आएगा उनके रिप्लेसमेंट पर, कौन पेसर है जिन पर नजर टिकी रहेगी, किसको मौका मिलने वाला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये दो बहुत मेजर सेटबैक होने वाले हैं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े सेटबैक, इसलिए भी क्योंकि देखो आपके पास ना एक तो मौका है श्रीलंका, अच्छा ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग गेम बन गया, अगला मुकाबला एक दिन के बाद परसों किसके बीच है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा, बहुत बहुत सीधी सिचुएशन हो गई है। अब ऐसे में आपके ऊपर है क्योंकि श्रीलंका होम टीम है, तो कहीं ना कहीं आप कितना भी कहिए श्रीलंका के पास मेरे ख्याल से बेटर चांसेस हैं। बिल्कुल, बाकी जिस तरह की परफॉर्मेंस आज बॉलिंग हुई है, बिल्कुल बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही दोनों इंपैक्ट, हां सोचिए जिस बॉलिंग लाइनअप के सामने इंडिया ने, पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप अच्छा माना जाता है ना उसे, हम यही कहते हैं कि बहुत अच्छा बॉलिंग, उसके सामने 356 पेल दिए थे, उस बैटिंग लाइनअप को श्रीलंका ने खामोश कर दिया, धुएं निकाल दिए बिल्कुल,
अब मतलब पाकिस्तान वाले लाए के लिए तैयार होकर आएगी, वाले लागे के लिए आप किस किस लिए तैयार हो लेंगे यार? यार बहुत मतलब इनका जो ये जो स्पेंड डिपार्टमेंट है ना खास करके इनका, हाँ, उसके लिए खास करके अलग से तैयार होना होगा, क्योंकि पाकिस्तान शायद पेसर को अच्छे से खेल लेगा क्योंकि उनके पास पेसर्स अच्छे रहे हमेशा से। स्पिन डिपार्टमेंट जो है श्रीलंका का, उसको खेलने के लिए शायद अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और खास करके बाबर आजम को, क्योंकि बाबर आजम ने हाल ही में स्पिनर्स को काफी सारे विकेट दिए हैं, ज्यादा दिक्कत देते हैं, तो ये एक परेशानी का सबब रहेगा। आपके पास पेसर्स नहीं है, आपके पास स्पिनर का शायद उतना अच्छा शोएब मलिक टाइप प्लेयर नहीं है जो स्पिनर को खेलने में मतलब एकदम महान आगे निकल के छक्का मार सके एकदम कटाक जब उसका मन करे तब, तो आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा श्रीलंका को अगर हराना है और फिर फाइनल्स में अगर टक्कर देनी है तो। देखो मैं बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ, आप सबकी भी राय लूंगा मैं, आप कमेंट में बताना। मुझे फारूक ऐसा लगता है पाकिस्तान से दो प्लेयर तो मुझे बड़े पसंद आते थे, एक सईद अजमल एज अ बॉलर और शोएब मलिक एज अ बैट्समैन, क्योंकि वो एक तो इतना लंबा क्रिकेटिंग करियर पाकिस्तान में इतना लंबा क्रिकेट करियर नहीं है, शाहिद अफरीदी जरूर खेलते हैं अब भी, लेकिन अभी भी ऑफिशियली शोएब मलिक रिटायर नहीं हुए हैं, सारे वर्ल्ड कप खेले हैं वो, 2007 का वर्ल्ड कप में थे वो, आप सोचिए तो इतना लंबा क्रिकेटिंग करियर, उसके बावजूद अब जो लीग क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी अच्छे रन मार रहे हैं। सईद अजमल की बात करूं तो बॉलिंग एक्शन के तौर पर निकल गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मुझे ऐसा लगता है ही वॉज द बेस्ट स्पिनर आई हैव एवर सीन, मतलब मैंने उनसे शानदार स्पिनर मैंने नहीं देखा मेरा। आप इस पे आप लोग अपने अपनी राय दे सकते हैं, कुछ और लगता हो और कोई स्पिनर सकलेन मुश्ताक के नाम सबसे ज्यादा तेज विकेट्स हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन सईद अजमल मुझे बहुत ज्यादा प्रेफर, मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, और ये दोनों मुझे ऐसा लगता है। शोएब मलिक की बात जब आपने कही तो शोएब मलिक मतलब जैसा ये कह रहे हैं कि इनको बहुत पसंद है, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, शोएब मलिक से मुझे बहुत डर लगता था खास करके जब इंडिया का मैच होता था, बिकॉज वो बंदा इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करता ही करता था, तो आपको मतलब आपको ये पता है कि शोएब मलिक खेल रहा है वो परफॉर्म करेगा ही करेगा, जैसे इंतजामुल हक वो अगर आ गए हैं खेलने आपको पता है अब रुक जाएगा बंदा, इसको आउट नहीं कर सकते आप, पता नहीं कितना लंबा चला जाएगा, तो कुछ वैसा ही। और शोएब मलिक हमेशा से उन्होंने इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करा है, तो ये बात तो बिल्कुल उनकी सही है कि शोएब मलिक सईद अजमल ये बहुत बड़े नाम रहे हैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एट दिस मोमेंट कौन शोएब मलिक बनकर आएगा कौन सईद अजमल बनकर आएगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज आपको अगर श्रीलंका को हराना है इंडिया को हराना है तो आपको तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। सर्वेश इंदु बोल रहे हैं फारूक भाई आपको इंस्टा फॉलो किया फॉलो बैक मिलेगा क्या? थैंक यू सो मच सर्वेश। सुदर्शन बदवानी अगर भारत वर्सेस पाक का फाइनल होता है तो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? भारत पाक का अगर मुझे लगता है सेम कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए। बॉलर को बुला लाओ आप अपने शमी को। हाँ हाँ यार देखो शमी के साथ मैं पहले भी था, शमी के साथ मैं पहले भी था, क्योंकि फाइनल में आप शार्दुल आपके लिए अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बैटिंग की जरूरत पड़ी, लेकिन आपको बैटिंग की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। जब पड़ी थी तब कुछ किया नहीं था, जब पड़ी थी तब कुछ खास हुआ नहीं, और अभी तक मतलब अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे वो बैटर्स फॉर्म में आ चुके हैं कि आपको शायद सातवें नंबर के बैटर पर उतना डिपेंडेंट नहीं होना होगा, इनफैक्ट आठवें नंबर पर शायद वो आएंगे, पांच चुके छह विकेट गिरने के बाद वो आते हैं, तो आई डोंट थिंक आपको वहां तक सोचने की जरूरत पड़ेगी जैसा माहौल दिख रहा है। आपके पास अगर तीन प्रीमियम पेसर हो, और हम देख रहे हैं लगातार पेसर कितना अच्छा, आप बुमराह को देख लो, आप सिराज को देख लो, पिछले दो मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि I'm pretty sure कि आपको शमी को खिलाना बनता है, लेकिन पता नहीं क्यों my sixth sense says कि शमी नहीं खेलेंगे। मनीष कोहली पटेल इंडिया कह रहे हैं कि वली लागे इज लाइक अजंता मेंडिस, 2008 में था मेरे ख्याल से, अजंता मेंडिस ने 6 विकेट लिए थे और करीब 18 रन देके इंडिया खिलाफ, वली लागे ने लगभग वही याद दिला दिया था, 5 विकेट ले लिए तो 40 रन देके, आई थिंक सेकंड बेस्ट फिगर है इंडिया के खिलाफ ODI में, ODI में बिल्कुल इंडिया के खिलाफ ODI में सेकंड बेस्ट फिगर है 5/40, पहली वाली भी श्रीलंकन बॉलर के पास ही है वो मेरे ख्याल से, 6-8 विकेट है चमिंडावास के पास मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है चमिंडावास, हाँ पता नहीं थोड़ा डाउटफुल है देखना पड़ेगा साथ में। जिब्रान अहमद खान वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिब्रान। जिब्रान को क्या लगता है फास्ट बॉलर क्या, दो तो इंजर्ड हो गए यार आपके, अब क्या वसीम, वसीम आएंगे मेरे ख्याल से, वसीम आएंगे, वसीम जूनियर खेल सकते हैं, अब नेक्स्ट देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भारत लेगा मिसिंग यूजी चहल, यूजी चहल ने काउंटी में 3 विकेट लिए हैं, यूजी चहल डेब्यू कर लिया है, देखिए ये मैं कहूंगा कि यूजी चहल को मिस होने का मौका नहीं दिया,
हाँ बिल्कुल, मतलब कुलदीप ने कहीं से कुलदीप ने और जडेजा ने दोनों मैच में ही यूजी चहल को मिस होने का मौका नहीं दिया। ऐसा आपको एक मोमेंट भी नहीं आया जब आपको लगा हो कि यार एक बार अगर यहाँ पर यूजी होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूजी अच्छे बॉलर नहीं है, मैं काफी सपोर्ट करता हूँ उनको, और जब आरसीबी से खेलते थे तब तो यार मतलब मुझे आईपीएल में शायद बहुत कम स्पिनर्स होंगे जिन पर उतना ट्रस्ट होता है जितना यूजी पे ट्रस्ट होता है। यूजी पे टी20 में ही इज अ मैच विनर, ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, नो डाउट। राजेश, अच्छा फारूक ये है राजेश शर्मा ये पूछ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश के खिलाफ जो आखिरी मैच है इंडिया का उसमें कुछ खिलाड़ियों को आराम देना चाहिए। राजेश शर्मा आप सूर्य को चांस दे सकते हैं। हाँ, आप उसमें सूर्य को चांस दे सकते हैं, बिल्कुल मानना है मेरा। क्योंकि देखिए मैं ये बात नहीं कहता अगर आपने आज अक्षर को चांस नहीं दिया होता तो। हाँ। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप जरा एक्सपेरिमेंट मोड में हैं। हाँ नहीं, फाइनल में आप पहुंच चुके हैं, आप एक्सपेरिमेंट मोड में भी हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप सूर्य को मौका दे दीजिए, आप शमी को मौका दे दीजिए, आप एक बार खेल ले, आपके पास जो प्लेयर है, क्योंकि आप बांग्लादेश आप बुमराह को आराम, मतलब हालांकि फर्क उसकी एक वजह मेरी ये भी है ना कि देखो बुमराह का आज पैर स्लिप होते होते बचा है। अगर वो हो जाए, कुछ एंकल में कुछ हो जाए या किसी भी तरह की ग्रोन इंजरी, कुछ किसी भी तरह की इंजरी, मुझे लगता हम इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल अभी नहीं कर सकते हम, जैसा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। जवाब दो मेरे के अगर आप इन दो को ला रहे हो तो हटा किसको रहे हो बाहर? देखिए अभी वही बात है, मैं चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या को भी रेस्ट मिल जाए, वही बैठ जाए थोड़ा, यार थक गए होंगे वो भी, तो उनको आप थोड़ा रेस्ट दे दीजिए। और इस बार फारूक हार्दिक को बहुत बिठाते हैं यार, तो नहीं मतलब मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बस चाह रहा हूँ एक बार सूर्या को देखना टीम में। और अभी आपके पास अच्छा मौका है, आपने दो अच्छे मैचेस जीते हैं, आपके पास बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच है जिसको आप, क्योंकि अभी इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको 3 वनडे मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहां पर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लोगे, बिकॉज वो वर्ल्ड कप के जस्ट पहले मैचेस हैं, इंडिया में है, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कितना सीरियसली आने वाला। ऑस्ट्रेलिया अभी ताबड़तोड़ खेल रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ताबड़तोड़। तो जिस तरह से जिस मूड में ऑस्ट्रेलिया भी है, उस मूड में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगा, आप नहीं चाहोगे किसी भी अपने बैटिंग प्लेयर के साथ या बॉलिंग प्लेयर एक्सपेरिमेंट करना। ये एक मैच आपको मिला है जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार यू कैन गिव इट अ ट्राई, यू नेवर नो कि मतलब क्या निकल कर आने वाला है। बिकॉज अगर सूर्या बहुत अच्छा कुछ कर जाते हैं तो शायद आपको एक और सोल्यूशन मिल जाए, हालांकि वो भी प्रॉब्लम नहीं बना है कुछ, लेकिन आपको पता है मतलब रास्ते खुल जाएंगे, उसके बाद आप चांस ले सकते हो, चूज कर सकते हो। मोहम्मद शमी को एक बार मौका मिल जाए तो आप सिराज को खिला लो, शमी को खिला लो, बुमराह को आप रेस्ट दे सकते हो, और हार्दिक को खिला आप रेस्ट दे दो, और उसके बाद आप और कौन बच गया, स्काई बच गए, स्काई को आप खिला लो। तो इस तरह से आप अपने जो पेसर्स हैं और स्पिनर हैं उनको यूज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। बिकॉज सर्वेश कह रहे हैं यूजी को विकेट मिलता है लेकिन ठीक ठाक मार पड़ती है। अजर दरअसल पता क्या है, यूजी आपको विकेट हमेशा निकाल के देते हैं, और यूजी का यही रहता है, उनकी इकोनॉमी कुछ खास है नहीं इतनी, लेकिन उनके साथ वनडे में ठीक ठाक है इकोनॉमी, वनडे में ख्याल से करीब 5-5.5 की इकोनॉमी है उनकी, 6 के आसपास की, तो इतनी इकोनॉमी ठीक होती है अगर आपको एज अ विकेट टेकिंग बॉलर है। मुझे लगता है हाल ही में थोड़ा उनकी इकोनॉमी ऊपर हो गई, हाल ही में उनकी इकोनॉमी ऊपर, वरना वो करंट फॉर्म की बात करें तो करंट फॉर्म में फर्क थोड़ी सी दिक्कत ये रही थी कि उनको विकेट नहीं मिले थे वेस्ट इंडीज दौरे पर। तो और अभी कुलदीप को और अगर उनको आप कंपेयर करेंगे तो कुलदीप अभी पिछले दो मैच से बिल्कुल आगे निकल गए, तो जिस तरह से कुलदीप जिस टच में अभी हैं, आप यहां पर एट दिस मोमेंट तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे कि उनकी जगह पर आप किसी और को भी देखो। अच्छा सर्वेश ने एक अच्छी ये भी बताई कि सिराज और बुमराह को बिठाइए, शामी और कृष्ण प्रसिद्ध कृष्णा को लाइए, और इनके और एक बात ये भी कि हार्दिक की जगह सूर्य भी आ सकते हैं। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाइएगा, आप सिराज को बिठा दीजिएगा। शामी कृष्णा, आपके पास बॉलर कौन कौन करेगा? कुलदीप, जडेजा, पांचवा बॉलर कौन होगा? पांचवा बॉलर आप शार्दुल को ही लाओगे, पांचवा, फिर छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास कौन रह जाएगा? आपके पास हैं, आपके पास बॉलर हाथ घुमाने के लिए हैं प्लेयर्स, हाथ घुमाने मतलब आपको बांग्लादेश के लिए तो रोहित शर्मा के पर नाम है। कह रहा हूं ना, बांग्लादेश के खिलाफ कोई सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि आप फाइनल में पहुंच चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप अपने सिक्स बॉलर को यूज कर सकते हैं, दो ओवर कोहली, हालांकि कोहली भाई भाई भाई, 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 भाई सवाल आ गया। अच्छा, शिवम त्रिपाठी, विराट कोहली और बाबर आजम कौन बेस्ट है? अगर मैं बताता हूँ कौन बेस्ट है, मैं अभी बताता हूँ कौन बेस्ट है। देखिए विराट कोहली का हाईएस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट है 183, जो उनका इंडिविजुअल हाईएस्ट है। बाबर आजम का इंडिया के खिलाफ हाईएस्ट है 48। बाबर आजम ने आज तक इंडिया के खिलाफ एक हाफ सेंचुरी भी नहीं मारी है। बाबर आजम का एवरेज है 31 के आसपास। वही अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट, उनका कुछ 80 के अप्रॉक्स एवरेज है, और बड़े इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, और अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बताऊं तो आई थिंक कुछ 55 के आसपास उनका एवरेज है। तो एक तो ये हो गई कंपैरिजन।
विराट कोहली ने 4 सेंचुरी सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट मारे। मैं ओवरऑल में नहीं जाऊंगा, ओवरऑल में तो और ज्यादा, ओवरऑल में तो यार उनकी 47 सेंचुरी सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में, 4 सेंचुरी विराट कोहली ने सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट मारी है। बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी भी नहीं करी है। तो ये मुझे, मैं बिल्कुल बेसिक स्टैट आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। देखो यहाँ से, क्योंकि आपने बाबर और विराट का कंपैरिजन किया तो मैंने इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट में कंपैरिजन बताया आपको। चलिए मैं ओवरऑल बता देता हूँ। शिवम देखो, बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इवन विराट कोहली खुद तारीफ करते हैं उनकी कि अगर आप नंबर वन है, इतना कंसिस्टेंट है, तो आप अच्छा खेल रहे हैं। आपने इंग्लैंड में जाके मारा, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मारा, ये बड़ी चीज है। लेकिन पता है विराट कोहली के साथ क्या सीन रहा है? विराट कोहली जब रन बनाते हैं तो वो कंटिन्यूस रन बनाते हैं और वो मैच विनिंग पारी खेलते हैं। और बाबर के साथ दिक्कत ये है कि बाबर बड़े इवेंट में बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं अभी ऐसा लग जो एक कहते हैं ना, आपको देखो, आप कभी भी पूछोगे ना कि इनसे बाबर आजम विराट कोहली, तो आपको कोई भी आंख बंद करके बोल देगा विराट कोहली। उसकी वजह ये है कि उस बंदे का जब विराट कोहली 2 साल आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, ठीक है, उन 2 साल में विराट कोहली का एवरेज बाबर आजम अच्छे, बहुत अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, तो उस फॉर्म से ज्यादा विराट का एवरेज था। तो आप खुद सोचिए, खिलाड़ी जो अपने शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, तब आपके सबसे बेहतर दौर से ज्यादा अच्छा कर रहा है वो, तो उसमें फिर कंपैरिजन में भी रह नहीं जाता। और क्रिकेट में मुझे कंपैरिजन बहुत कम समझ में आता है। और एक और चीज है कि बाबर आजम जो है वो विराट से काफी जूनियर है, तो अभी उनको शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। बाबर खुद बोलते हैं कि मैं लर्न करता हूं विराट से, इवन इमाम बोलते हैं वाली चीज। जी हाँ, तो ये जो गैप भी है और जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं विराट के पास ज्यादा है। और जैसा अभी आपको बताया असद ने कि विराट की जो फॉर्म की बात है ना, तो वो जो 2 साल 2.5 साल उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही थी, आप एक बार उसमें देख लेंगे, उनकी सिर्फ सेंचुरी नहीं आई थी। हाँ, वो फॉर्म अच्छी ना होना वो विराट के स्टैचर से था, लेकिन अगर आप वहीं पर उस सेम फॉर्म को किसी और प्लेयर पर रख दोगे तो आप उसको अच्छी फॉर्म कहोगे। बिकॉज़ यार आप कहोगे भैया क्या खेल, उसको टीम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी फॉर्म लगातार हाफ सेंचुरीज लगातार आ रही थी, वो ऑन एंड ऑफ 40-50 के आसपास लगातार कर रहे थे, 50 के अप्रॉक्स उनका एवरेज रह रहा था। तो ये जो ओवरऑल स्टैट आप किसी भी प्लेयर का देखोगे यार 50 का एवरेज, आप उसको अच्छा प्लेयर बोलोगे, लेकिन वो उनका खराब टाइम था उस टाइम। आप फारूक ये सोचिए ना, आपके पास कितने ऐसे खिलाड़ी जिनके पास 50 से ऊपर का एवरेज है, ठीक है, वो उस टाइम पे गिर गुरा के भी 45 हाँ, के बिल्कुल 45 से 50 का रहता है ना। तो अब इतने एवरेज वाले खिलाड़ी इस टीम में नहीं है अभी मौजूद। एग्जैक्टली, तो और सेंचुरीज की तो खैर छोड़ ही दीजिए, सेंचुरीज में तो कभी हिसाब ही नहीं लगाता मैं। कोहली के पास नहीं आसपास कोई एक्टिव क्रिकेटर, आप सोचिए अभी आप देखिए ना टोटल, मैं बता रहा हूँ एक्टिव क्रिकेटर्स में, जितने एक्टिव क्रिकेटर्स है उसमें हाईएस्ट सेंचुरी 77 है विराट कोहली की। हटा दो आप 77 नंबर ही मत देखो, आप देखो 47 सेंचुरी किसके पास है, विराट कोहली के पास, सिर्फ ओडीआई में है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, डेविड वार्नर, जिनकी ओवरऑल 47 है। तीसरे नंबर पर जो रूट, टेस्ट T20 सारे फॉर्मेट मिला के जो रूट के पास 46 सेंचुरीज है, डेविड वार्नर के पास 47 सेंचुरीज है। तो विराट कोहली के पास सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में, सिर्फ ओडीआई 47 सेंचुरी है। अगला बंदा 3000 रन यानी कि 30 सेंचुरी से लीड कर रहा है, तो उस लीड को पकड़ना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बाबर भी मेरे ख्याल से ये चीज नहीं मानेंगे कि आप कंपेयर कीजिए, बाबर अपनी क्लास के अलग खिलाड़ी हैं, विराट कोहली इज अ डिफरेंट लीग प्लेयर यार। बिल्कुल, विराट कोहली एक अलग लीग के प्लेयर है, मतलब विवियन रिचर्ड्स कहते हैं ही इज द मॉडर्न डे ग्रेट। तो आप यही देख लीजिए ना, सबसे मतलब विराट कोहली ने जब रन बनाना शुरू करा, 8000 रन सबसे तेज, 9000 रन सबसे तेज, 10000 रन सबसे तेज, 11000 रन सबसे तेज, 12000 रन सबसे तेज, 13000 रन सबसे तेज। तो ये आपको जो इनिंग्स दिख रही हैं, और कि फर्क भी बहुत ज्यादा है, और फर्क भी बहुत है। मतलब मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर जो 259 पारी ली थी, वो तीसरे नंबर पे है, आप तो 10000 में तीसरे पे है, क्योंकि आपको कल ही आपको वो आ गए, रोहित शर्मा आ गए, रोहित शर्मा ने दूसरे नंबर पर, तो रोहित शर्मा ने भी 241 पारी ली, विराट कोहली ने 205 हां 205 206 पारी ली। तो आप लगा लीजिए 35 पारी करीब का डिफरेंस देख लीजिए कि 35 पारी का। अब आप ये कह सकते हैं अप्रोच डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, लेकिन आप क्योंकि विराट की बात कर रहे हैं तो विराट जिस पॉइंट पर अभी पहुंच चुके हैं, बाबर धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। अब किस हद तक पहुंच पाएंगे ये वक्त बताएगा। खैर एक आखिरी सवाल लेते हैं, धीरज चलौने प्रभाकर, नेपाल वर्सेस इंडिया गेम को समराइज करें। उसमें समराइज करने लायक कुछ खास था नहीं, नेपाल अपना पहला एशिया कप खेल रहा था, पहली बार इंडिया से भिड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो उस हार में भी जीत लेकर गए होंगे, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, उन्होंने बैटिंग बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ की और बॉलिंग की भी शुरुआत बहुत अच्छी की। फर्क मेरे हिसाब से ये समराइजेशन था। बिल्कुल, नेपाल के लिए मैं बस यही बताना चाहूंगा कि नेपाल ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है,
अब से पहले जो मेरी या फिर और जो लोग क्रिकेट देख रहे होंगे जिन्होंने शायद नेपाल क्रिकेट को उतना ज्यादा फॉलो नहीं करा होगा उस दिन से पहले जब उन्होंने आपको क्लियर वो किया था, क्या कहते हैं इस एशिया कप के लिए आई थिंक यूएई को हराया था, यूएई को हरा करके एशिया कप के लिए अपना नाम दर्ज करा था एसीसी के फाइनल में वो मैच। और जिस तरह से अगर आप नेपाल के हैं तो जिस तरह से नेपाल का सपोर्ट था, जिस तरह से स्टेडियम में क्राउड भरा हुआ था, वहां से मतलब मैं नेपाल क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता था बट उस वाले एसीसी टूर्नामेंट से मैंने देखना ज्यादा शुरू करा और फिर धीरे 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 तो मतलब ये पता चला कि एक तो नेपाल में क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है, दूसरा नेपाल एक नई टीम बनकर, जब भी कोई नई टीम आती है ऐसे आप नई टीम बोलोगे आप सोचोगे बर्मुडा जैसी टीम आ रही है, आपको आयरलैंड जैसी टीम आ रही है, हालांकि आयरलैंड बहुत सी टीम हो गई है लेकिन जब वो नई नई आई थी नेपाल जिस तरह से आई है ना वो नीचे से नहीं आई है, उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ मैं आई ही यहाँ पर हूँ। तो वो आते के साथ ही बांग्लादेश अफगानिस्तान इनके जिम्बाब्वे आयरलैंड इनके इनके टक्कर की टीम है वो। दो सवाल हैं, पहला तो ये कि देखो आप उससे पहले सिर्फ संदीप लामिशानी को जानते थे लेकिन आप कई सारे प्लेयर्स को जानते हैं, ठीक है, आसिफ शेख हो गया, रोहित भूर्तल हो गए, कई सारे प्लेयर आए हैं। अच्छा शेख को तो आप पहले ही जानते थे, आसिफ शेख को तो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला था वहां से जानते हैं। खैर शिवम त्रिपाठी का एक और सवाल है कि वर्ल्ड कप में अश्विन और यूजी को होना चाहिए, दो चीजें ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, सर्वेशन तो ने मना कर दिया है क्योंकि वो स्क्वाड में नहीं है, स्क्वाड में है नहीं, अश्विन और यूजी को होना चाहिए था या नहीं, जगह नहीं बनती। देखिए बहुत सारे प्लेयर हैं, सिर्फ एक ही प्लेयर है जो मुझे लगता है कि इस स्क्वाड में होना चाहिए था और नहीं है, वो है शिखर धवन। उनके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और ऐसा प्लेयर है जिसको होना चाहिए था। मैं इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट रहूंगा, आप ये बताइए ना मुझे किसकी जगह लाओगे। मैं आपकी बात मान रहा हूँ लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये प्लेयर होना चाहिए था। अब आप निकालने की बात करोगे, किसी से निकालोगे तो हमारे पास जो टॉप ऑर्डर बैटर हैं आप शुभमन गिल को निकालोगे नहीं बिकॉज शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं, निकालोगे नहीं बिकॉज केएल राहुल ने कल बता दिया मैं कौन हूँ, आप ईशान किशन को नहीं निकालोगे। तो ये जो निकालने वाली बात है ये मेन प्रॉब्लम यही, देखिए जब आपको स्क्वाड निकल कर आया तभी रोहित शर्मा ने कहा था कि जो बेस्ट पॉसिबल है वो हमने आपके सामने रखा है, प्लेयर्स हैं बट आपको रिप्लेस किससे करना है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वही तो बड़ी दिक्कत है। तो मतलब बस यही बात है कि एक नाम है जो मैं चाहता हूं कि रहे लेकिन जब सवाल असद ने कर दिया तो वही बात हो जाती है कि आप किसकी जगह लाओगे। हाँ सर्वेश हिंदू कह रहे हैं वार्नर ये वर्ल्ड कप के बाद शायद रिटायरमेंट ले ले, बहुत मुश्किल है, दरअसल ओडीआई से तो नहीं लेंगे, टेस्ट से उन्होंने बोला है मैं होम समर के बाद ले लूंगा, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल से होगा उनका, उसके बाद हो सकता है रिटायरमेंट ले ले, हालांकि जॉर्ज बेली चीफ सिलेक्टर हैं, देखेंगे क्या, लेकिन अनाउंसमेंट तो कर दी है उन्होंने, अब देखिए मोस्ट प्रोबेबली पीछे नहीं हटेंगे। दुर्गेश कुमार का सवाल लेते हैं आखिरी, नेपाल नई टीम आई है इसको कैसे देखते हैं, अभी हमने बात की थी इसके बारे में, तो इनका फ्यूचर ब्राइट है, आखिर मैं बस इतना कहूंगा। तो ये था आज का मैच जिसमें इंडिया ने फाइनल का दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री कर दी है, और इसी के साथ साथ अब ये देखना बाकी है कि श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में से कौन जाएगा, कल वो मुकाबला है, उसमें हम आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, इस तरह से लाइव बात करेंगे मैच से पहले, और परसों का ये मुकाबला है, कल आप भी आराम कीजिए हम भी आराम करेंगे, कल हम एक किस्से पर बात करेंगे अगर मैं याद करूंगा तो, बाकी आप मुझे मैसेज करिए कॉमेंट में बताइए कि आपको कल किस चीज़ पर लाइव में आपने बात करनी है मुझसे, हम बात करेंगे और कई सारी चीज़ों पर बात कर सकते हैं, जैसे कहानियां बात कर सकते हैं क्रिकेट की, आपको कोई मैच याद हो कुछ मैच मुझे बताइए हम उस मैच के किससे बात करेंगे, कल का मैं टॉपिक आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जिस टॉपिक पर बोलेंगे हम उस पर लाइव में आके बात करेंगे। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं और फारूक, मैं हूँ असद, ये हैं फारूक मेरे साथ, एक बार फिर से आखिरी में हम आपको अलविदा कहते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी क्रिकेट बुक पर, तो पहले पेज को फॉलो करते जाएं, देखो मैंने 5000 बोला था आपने 7000 कर दिया, अब जल्दी से इसको 10000 और कर देना ताकि जब 10000 हो जाएगा ना तो फिर हम अगला टारगेट रखेंगे ना, छोटे छोटे टारगेट से पूरा करते हैं, हमें भी खुशी मिलती है आपको मिलती है, मजा आता है बातचीत करने में, इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। तो चेतन भाई हमारे साथ थे कैमरे के पीछे, और अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत।